रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू, हाउ आर यू? मिस कोमल इज़ हेयर टू टीच यू इस्लामियात। आई होप यू आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोमिस विद मी, लिसन माई लेक्चर वेरी केयरफुली एंड डू योर वर्क प्रॉपरली। दिस इज़ योर सेकेंड लेक्चर, लेट्स स्टार्ट ओवर लेसन। टेक आउट योर इस्लामियात बुक and open the page number 1. Today our topic is Quran Majeed Hissa Awwal। Students, first lecture में मैंने जहाँ तक आपको reading करवाई थी वहाँ तक आपने date and day mention किया है। अब हम उससे आगे reading start करते हैं। Okay students, let's start reading। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद ली है। बच्चों, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी आसमानी किताब नाजिल की जिसका नाम कुरान पाक है। इसे रमज़ान के मुबारक महीने में नाजिल किया गया और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी खुद उठाया। इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला ने इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे छोड़ा और ना ही सहाबा के ज़िम्मे, ठीक है, बल्कि ख़ुद इसकी ज़िम्मेदारी ली। और कुरान पाक अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। पहले इसे मुख्तलिफ तरीके से पढ़ते थे, फिर ये डर पैदा हुआ कि कहीं मुख्तलिफ लहजे हुए तो इससे कुरान पाक में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। तो उस ज़माने में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुरान पाक का ऑथेंटिक नुस्खा तैयार किया कि फिर यही नुस्खा रहेगा, बाकी नुस्खों को तर्फ कर दिया गया ताकि लहजे का भी इख्तलाफ बाकी ना रहे। इसलिए बच्चों, कुरान पाक को एक ही ज़ुबान में सब पढ़ते हैं, और वो कौन सी ज़ुबान है? अरबी ज़ुबान। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जमा, बेशक हमने इस ज़िक्र कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस लाइन का बच्चों क्या मतलब है? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, ख़ुद फरमाया यानी कहा कि हमने इस कुरान को, ज़िक्र यानी कुरान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान मजीद को नाजिल हुए 1400 साल गुज़र चुके हैं और ये कलाम, पाक कलाम, बग़ैर किसी तब्दीली के लोगों के दिलों में और किताबी शक्ल में बिल्कुल महफूज है। मतलब कि कुरान को नाजिल हुए 1400 साल गुज़र गए हैं और ये कलाम यानी ज़िक्र वो कौन सा है? कुरान पाक, बग़ैर तब्दीली के लोगों के दिलों में है। और लोगों के दिलों में किस तरह महफूज है? लोगों ने इसे हिफ्ज़ किया हुआ है, इसे हिफ्ज़ करते हैं। आप देखते हैं अपनी फैमिली में बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने हिफ्ज़ किया होता है, ठीक है, यानी कुरान पाक उनके दिलों में महफूज हुआ हुआ है और ये किताब की सूरत में महफूज है, इसे सेव किया हुआ है। ये पेजेस की सूरत में मौजूद नहीं है, आपके पास एक कुरान पाक है वो किताब की सूरत में है ना। इसी तरह उन्होंने कहा है कि ये बग़ैर तब्दीली के लोगों के दिलों में है, महफूज भी हुआ है, किताबी शक्ल में भी महफूज है। अल्लाह ताला उस शख्स से बहुत खुश होता है जो कुरान मजीद की तलावत, रोज़ाना तलावत करता है, ठीक है। पहली जो तीन आसमानी किताबें मैंने फ़र्स्ट लेक्चर में आपको बताया था ना, और जिन नबियों पर वो नाजिल हुई उसका भी नेम बताए थे, आई होप आपको याद होगा। और वो जो पहली तीन आसमानी किताबें हैं जैसे तौरात, ज़बूर, अंजील, इनमें चेंजेस आई, लेकिन कुरान पाक वो वाहिद किताब है जो वैसे की वैसी है, उसमें कोई चेंजेस यानी तब्दीली नहीं आई। आगे उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला उस इंसान से खुश होता है और उसे पसंद करता है जो कुरान को रोज़ाना पढ़ता है। और इसे किस तरह पढ़ना चाहिए? वज़ू करके पढ़ना चाहिए और ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए ताकि तलफ़ुज़ हैं वो सही तरह से हम अदा कर सकें, हमारी कोई मिस्टेक्स ना हो। इसके एक हर्फ पढ़ने पर यानी एक लफ्ज़ पढ़ने पर हमें 10 नेकियों का सवाब मिलता है, ठीक है। आगे हम रीडिंग करते हैं। कुरान मजीद हमें वालिदैन और हमसायों के साथ अच्छा सलूक करने, गरीबों की मदद करने और हमेशा अल्लाह ताला से मदद तलब करने का सबक देता है।
इस लाइन का बच्चों क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि हमें अपने वालिदैन मतलब माँ बाप के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, सलूक यानी अच्छे तरीके से पेश आना। कुरान पाक अपने वालिदैन के साथ अच्छे तरीके से पेश आने का दर्स यानी सबक देता है कि अपने माँ बाप का कहना मानो, अदब करो, जब वो बूढ़े हो जाएं, बढ़ापे में चले जाएं, उन्हें उफ तक ना कहो। और यहाँ जिक्र हुआ है हमसायों, और हमसायों यानी पड़ोसियों के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है कुरान पाक। हमसाए कौन होते हैं? हमारे घर के साथ वाले जो घर होते हैं, आसपास जो घर होते हैं उन्हें हमसाए कहते हैं, ठीक है? वो हमसाए के घर होते हैं, पड़ोसी होते हैं वो। और एक वर्ड भी गरीबों की मदद, हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। कुरान पाक ने कहा, अल्लाह ताला ने कहा कि गरीबों की हेल्प करो, और अल्लाह ताला ने यह भी कहा है कि अगर आप किसी मुश्किल में है तो मेरे से मदद मांगो, मैं आपकी मुश्किल दूर करूँगा। इसलिए बच्चों कोई परेशानी हो तो अल्लाह से हेल्प मांगा करो। अल्लाह ताला बच्चों की दुआ जल्दी कबूल करता है, ठीक है? कुरान मजीद हमें वादों की पाबंदी करने का भी हुक्म देता है। अब यहाँ उन्होंने क्या कहा है, कुरान पाक हमें कहता है कि वादों की पाबंदी करो, यानी जो प्रॉमिस हम एक दूसरे से करते हैं, अपने पेरेंट्स से भी करते हैं, अपने बहन भाई से भी करते हैं, यहाँ तक कि अपने फ्रेंड से भी करते हैं, उसे पूरा करना चाहिए। और जो हम टाइम देते हैं कि इस टाइम पर हम अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे, तो हमें वो टाइम पर प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए, इससे अल्लाह ताला खुश होता है। अगर हम वादा खिलाफी करेंगे यानी वादा को पूरा नहीं करेंगे, जिससे हम प्रॉमिस करते हैं, बाद में हम बात ही नहीं करेंगे, वो वादा नहीं पूरा कर सकेंगे, तो इससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे। आप तो नहीं चाहते कि अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो, इसलिए हमें चाहिए कि हम जो भी वादा किसी से भी करें, हो जिस वक्त पे अदा करने का वादा करें, वो से हमने उससे वक्त पर पूरा करना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरत यासीन किसी रात में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पढ़ी तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। मग़फ़िरत मीन बख्शिश, उसे बख्श दिया जाता है, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी कहा, जो इंसान यानी जो शख्स सूरत यासीन को रात में अल्लाह ताला की खुशी के लिए यानी अल्लाह ताला की खातिर पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है, उसे बख्श देता है, उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। बच्चों सूरत यासीन एक ऐसी सूरत है जो कुरान पाक का दिल है, और जो इससे मरीज़ के पास यानी जो इंसान बीमार हो, कोई भी घर में बीमार हो, अगर आप उसके पास बैठकर पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उसे शफा देते हैं, अल्लाह ताला उसे जल्दी से ठीक कर देते हैं। यहाँ तक आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है। इस सेकंड लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपने यहाँ रीडिंग यहाँ तक करनी है अपनी मदर के पास बैठ के, और आपको जहाँ समझ ना आए, जहाँ से आपने वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपकी कोई अगर मिस्टेक हुई है तो वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? और काम आपको प्रिंटिंग फॉर्म में आएगा, आपने वहाँ से देख के अपनी कॉपी पे प्यारा सा काम करना है। कुछ बच्चों ने काम प्यारा नहीं किया हुआ था, ठीक है? आपने अब आइंदा प्रॉमिस करें कि आप वो काम जो है आप अच्छे से करेंगे, और उसे याद भी करना है। इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन होंगे मैं आपसे इसका टेस्ट भी लूँगी और पेपर्स भी होंगे, ठीक है? और जो काम दिया हुआ है वो आपने केयरफुली से करना है ताकि आपको पता चले कि क्या काम हो रहा है। कॉपी में करने का तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ था, और उसमें बुक वर्क भी होगा, आपने बुक वर्क आपने खुद करना है। आपको रीडिंग की समझ आ गई थी ना, अपनी मामा के पास बैठकर करना है, ठीक है? आई होप आपको चैप्टर, ये जो लेसन है, टॉपिक है और जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।